subscribe. Like. Wardrobe को बंद करो और पति के wardrobe पे थोड़ा कब्जा किया जाए. आज ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है किचन से. अच्छा बोलो हेलो, बोल दो हाय कर दो. हाय कर दो, हाय करो. पहले कौन है ये? हाय. मेरे पास है कुछ फ्रेश करीज जिसको मैंने एयर मतलब वॉश कर लिया है और मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप करी लीव्स लेकर आते हो तो उसको कैसे अच्छी तरीके से 3-4 महीने तक बिल्कुल ही ग्रीन कैसे प्रिजर्व कर सकते हो. तो मैं करने जा रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ. हो सकता है आपको पता होगा और अगर आपको कुछ और नए तरीके का पता होगा तो आप मुझे कुछ और सजेस्ट कर देना. तो इन करी लीव्स को सबसे पहले जब मैं लेकर आई थी तो डंडियों से सबको अलग अलग कर लिया है मैंने और फिर इनको थॉरली काफ़ी अच्छे से वॉश करके एयर ड्राई कर लिया है. तो एयर ड्राई करने के बाद एक्चुअली में ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गया क्योंकि इसको मुझे कल ही तैयार करना था बट टाइम नहीं मिला तो आज मैं कर रही हूँ. जब ये एयर ड्राई हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाइए तब इसमें हमें क्या करना है, 3-4 चम्मच अच्छे से घी मिक्स करना है. मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि किसी भी तड़के में अगर मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगेगा. अगर आपको देसी घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हो और उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर लो. आप सो जाए तो इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें. थर्टी सेकेंड के बाद वापस से इसको अच्छे से मिक्स करें. और इसके बाद वापस से इसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव करें. मतलब ऑलमोस्ट टोटल 1 मिनट इसको मैंने माइक्रोवेव किया है और इसके बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए आप रख दें, रूम टेम्परेचर पे रखें. ये अब जो कड़ी पत्ता मैंने दिखाया था वो काफ़ी ड्राई हो गया है और ये ग्रीन कलर का जैसे है वैसे ही रहेगा और ये मैंने पहले से इसमें प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो ये ट्राई एंड टेस्टेड है. अगर आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो. जैसा अभी मैंने आपको दिखाया बहुत तेज धूप है बाहर और आँख खुलना मुश्किल हो रही है और यहाँ का जो टेम्परेचर है आज 38 है बाहर में और मे भी आप बोलोगे 38 तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट लॉस एंजलिस में 38 यहाँ की जो चिलचिलाती तेज कड़क धूप होती है ना उसमें अगर आप 5 मिनट भी बाहर निकल जाओ या 5 मिनट अपने आप को खड़े कर लो आप ब्लैक एंड वाइट की दुनिया में ज़रूर पहुँच जाओगे. एकदम कम्प्लीटली टैन हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा आपका. तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली बट समर डेज तो ऐसा ही है. अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर एक सामान लेना है और दीपक एक्चुअली बहुत दिन से बोल रहा था कि एक सामान लेना है, लेट्स गो थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है. तो अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं. और अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक भी कर देना.
डेली लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो मैं छोटी छोटी चीज़ों से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर वो पसंद आए तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं सामान मिलता है कि नहीं। अभी हम लोग आए हैं वॉलमार्ट में और मुझे याद है कि मैं जैन या फेब में आई थी और उसके बाद आज जा रही हूँ वॉलमार्ट के अंदर फुल प्रोटेक्टेड, मास्क ग्लव्स सब साथ में है। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं कोविड के कारण वॉलमार्ट में। बारबेक्यू सेटअप खरीदे आए हैं तो वही देख रहे हैं कि कैसा है और भी तरह की है। तो अभी हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। दीपक का बहुत दिन से मन है तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वैसे ये अच्छा लग रहा है। कितने का ये? 20 बक्स। तो ये जो है वो $20 का है, यानी कि 1500 रुपये। तो देखते हैं चीज़ कैसी है। ये 20 का नहीं, $16 का है। अभी इन लोगों ने सेल में लगा दिया है इसको और कुछ दिन पहले ऑनलाइन चेक किया था तो ये $20 का था। तो इसका चारकोल भी लेंगे ना? हाँ, इसका चारकोल भी लेंगे, वो उस साइड में है। ठीक है। यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें क्लियरेंस में लगी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें तो बहुत सस्ती हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मली हैं, मीन्स कुछ सेंट्स का फ़र्क है। बाकी तो जो अगर काम किए तो आप ले सकते हो। तो मुझे चाहिए प्लांट फूड। अब ये तो प्लांट फूड नहीं है। ये है कुछ $4.20 का प्लांट फूड, मिरेकल ग्रो ऑल पर्पस प्लांट फूड। ये था $9.44 का, अब $4.20 का है। तो अभी मैं यही ले लेती हूँ। 5 LB का है, $4.50 कुछ सेंट का। ये अभी स्कूल ओपन होने वाला है, बहुत सारे स्टेट्स में ओपन हो गया, बहुत सारे स्टेट में ओपन होने वाला है। जैसे कैलिफोर्निया में ओपन हो गया है और ईस्ट साइड में ओपन होने वाला है। तो अभी स्कूल सप्लाईज पे मस्त वाली क्लियरेंस सेल लगी हुई है। कुछ भी कहो, ऐसे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है इन पर्सन। हम लोग, मैं 6 से 7 महीने बाद आई हूँ वॉलमार्ट में। आई थिंक जैन या फेब में आए थे। और ऑनलाइन में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक कि कोई भी चीज़ को छू के टच कर कर के ना देखो, तब तक मज़ा नहीं है। तो आज फाइनली दीपक की शॉपिंग हो गई है। दीपक को बहुत दिन से मन था एक बारबेक्यू सेटअप लेने का, तो आज लेके जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसा है और काफ़ी अच्छे डील में मिल गया है हमें। और लेट्स सी, बस बारबेक्यू करने का इंतज़ार है। दीपक करेंगे बारबेक्यू और मैं खाऊंगी। यस, आई एम हैप्पी, एक्साइटेड। प्रियांश इज आल्सो एक्साइटेड।
पहले और अभी में बहुत ही कम का फ़र्क है जो मैंने ऑब्जर्व किया. इट्स लाइक वन एक एक्स्ट्रा गेट लगा दिया है कि जो आप एंट्री करोगे उससे आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हो. पहले लोग वहीं से निकल जाते थे तो अब वहाँ पे एक साइरन काइंड ऑफ थिंग्स बजने लग जाएगा. दूसरी वही हर शॉप में जैसे ये में है कि एक आइल में जाओगे दूसरे आइल से आप बाहर आओगे. तो दिस इज़ द ओनली थिंग. और वही 6 फीट का डिस्टेंस है, मास्क है, शील्ड है, ग्लव्स अगर आप लगा के जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो खुद ही प्रिकॉशंस लेने हैं. इट्स गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. बहुत दिनों बाद आए हैं शॉपिंग करने तो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और तो वो फीलिंग कोई भी समझ सकता है. आप लोग भी अगर शॉप में अभी जा रहे हो और पहले नहीं जा रहे थे, जैसे अभी घर से बाहर निकल रहे हो और पहले नहीं निकल रहे थे, तो ये फीलिंग समझ सकते हो. तो अब दीपक का बारबेक्यू ले लिया है, एक्साइटेड है, बारबेक्यू करेगा. एक्चुअली बारबेक्यू सेटअप्स हैं हर सोसाइटी में है, लेकिन अब कॉमन प्लेसेस में ये सब चीज़ें करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और हमें शौक बहुत है बारबेक्यू करने का. तो बस अभी खुद का एक ले लिया, छोटा सा लिया है, बहुत छोटू सा है वो. और लेट्स सी अच्छी डील मिली है, अब कहीं ऐसा ना हो डील के चक्कर में वो ख़राब मिल जाए तो ख़राब निकल जाए तो उसकी अनपैकिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे. और आई एम एक्साइटेड कि घर में अब खुद का बारबेक्यू करेंगे. ओवन में वो मज़ा नहीं आता है सेक के और बस खाने में. जो चारकोल का जो फ्लेवर है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है. अग्री? तो आप भी देखो, मेरे ख्याल से आप भी अग्री करोगे कि जो चारकोल में पका के खाना खाने का जो मज़ा है वो गैस पे और इलेक्ट्रिक चीज़ों पे नहीं है. तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. मास्क लगा लेती हूँ, वैसे तो घर जाना है बट फिर भी. वैसे ये तोता वाला मास्क ना है बड़ा अच्छा, निंजा जैसी फीलिंग आती है. अब निंजा जैसा कह लो या तोता कह लो, तोता है अच्छा. बाय बाय. तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों बाद एक फाइनली मैं अपनी पसंद की कोई चीज ले पाया हूँ. वो वैसे ये शर्ट अच्छी लग रही है ना? हाँ शर्ट तो अच्छी लग रही है, मेरी है तो अच्छी लगेगी ना. हाँ और क्या, मेरी शर्ट है तो अच्छी लगेगी. अब तुमने कब्जा किया हुआ है, रोज पहन लेती हूँ उठा के मेरी शर्ट. तो लॉकडाउन का कुछ तो फायदा होना चाहिए. तो ये आज जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये दीपक की शर्ट है. वैसे भी ये पिंक कलर की है तो तुमको उतनी पसंद तो है नहीं. नहीं नहीं ठीक है. मतलब देखो पति लोगों के कपड़े पे तो कब्जा होता ही है. बहुत दिन से मैंने कपड़े की कोई शॉपिंग नहीं की तो मैं अपने पहन पहन के ना बोर हो गई हूँ. तो सोचा अपने वार्डरोब को बंद करो और पति के वार्डरोब पे थोड़ा कब्जा किया जाए. चलो जी घर चला जाए अब. ठीक है, सीट बेल्ट बांध दो रे भैया. सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है. वैसे तो अब हमें आदत हो गई है, इनफैक्ट हम इंडिया में भी सीट बेल्ट लगाते थे, है कि नहीं? कहाँ से निकले, गाड़ी पे गाड़ी घुसा रखी है. तो इंतजार कर लो, है कि नहीं? लड्डू से बाय बाय, सी यू सून. अब बोलो सब्सक्राइब बाय, लाइक ऐसे कर दो, बाय बाय ऐसे कर दो, बाय किसी दे दे ना.